स्पॉन्सर्ड बाय एलके इंटरनेशनल स्कूल। मंदसौर पुलिस द्वारा किया गया विगत दिनों हुई चैन स्नैचिंग की घटना का खुलासा। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामठेकरी क्षेत्र में आरोपियों द्वारा दिया था। चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिन दहाध्य महिला के गले से चेन लुटकर ले जाने वाले बदमाश को किया गया गिरफ्तार। लुटी गई सोने की चेन को भी किया बरामद। आरोपियों से लूटा गया माल तथा घटन। नामे प्रयोग की गई मोटरसाइकिल व अवैध पिस्टल की गई जब्त। मंदसौर से बापूलाल डांगी की रिपोर्ट। रतलाम और सैलाना इलाके में की गई तो आरोपियों का आइडेंटिफिकेशन हो गया था। अभी कल सूचना मिलने पर आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी गई तो दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक आरोपी शिवम जाट जो कि मूल निवासी धरियावत प्रतापगढ़ का है परंतु अभी वर्तमान में ये सरवन सैलाना में रह रहा है। दूसरा आरोपी महेंद्र कीर जो कि मूलतः बांसवाड़ा का रहने वाला है और इंदौर से भी एक प्रकरण में फरार चल रहा है। इन दोनों को हिरासत में लिया, साथ ही साथ जो चेन इन्होंने लूटी थी वो ही बरामद कर ली गई है और जो मोटरसाइकिल से आए थे वो ही बरामद कर ली गई है। इसमें इन दोनों आरोपियों के द्वारा हमारे यहाँ घटना कारित करने से पहले एक बार बांसवाड़ा में भी अटेम्प्ट किया गया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और इसमें हमारी टीम में जो मेन लीड किया था इसमें थाना प्रभारी नारायण गणेश जितेंद्र सिसोदिया उन्होंने लीड किया था और साथ में सब इंस्पेक्टर शैलन गणेश और संदीप मौर्य की भी अहम भूमिका रही है। सभी टीम को जो 10,000 का इनाम घोषित किया गया था इस पूरे प्रकरण के खुलासे के लिए उसमें सभी को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। थैंक यू। नई एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।